मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी आलू पूड़ी रोल, जिन्हें कि बनाना बहुत ही इजी है। इस तरह आप रोल को बनाकर सफ़र में ले जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप मैदा, 3 मीडियम साइज़ के उबले कद्दूकस किए हुए आलू, 1/2 छोटी चम्मच राई, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नमक स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले हम रोल बनाने के लिए आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा और साथ ही हमने लिया है 1/2 कप मैदा। आप चाहे तो इसे सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन। इस तरह हाथों से मसलते हुए डालेंगे जिससे कि इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और सारी ही चीजों को आटे में अच्छे से हम मिला देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच के लगभग देसी घी और इसे भी हम आटे में अच्छे से मिला देंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और अच्छे से मसलते हुए इसका हम आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा हमने गूंथ कर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये आटा अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम रोल के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई गर्म होने रख दी थी, तो इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के लगभग तेल और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच सरसों के दाने और इन्हें अच्छे से तड़का लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 उबले हुए आलू। यहाँ पर हमने आलू को कद्दूकस कर लिया था ताकि इसमें एक भी गुठलिया ना रह जाए। और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक भी डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और आलू को मसाले और तेल में अच्छे से हम मिला देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच अमचूर का पाउडर। यहाँ पर आप इसकी जगह पर चाट मसाले का भी यूज कर सकते हैं। अब हम फिर से आलू में सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही चलाते हुए आलू के मसाले को हम भून लेंगे। अब यहाँ पर आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी हम आलू के साथ अच्छे से मिलाएंगे। गैस को हम बंद कर देंगे और स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर हम आटे को खोलकर एक बार अच्छे से मसलते हुए फिर से गूंथेंगे। और फिर हम आटे में से लोइयां तोड़ेंगे। जितनी छोटी लोई हम पूड़ी बनाने के लिए लेते हैं
उतनी छोटी ही हमें लोई लेनी है। और फिर सभी लोई को हम गोल करेंगे। और फिर सूखा आटा लगाकर इसे हम पूरी के साइज के बराबर बेल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 4 पूरी बेलकर तैयार कर ली है। तो सारी ही पूरियाँ इसी तरह बनाकर रख लेंगे। और फिर हम बेली हुई एक पूरी लेंगे और उसके सेंटर में हम आलू की ये स्टफिंग रख देंगे। और पूरी को हम साइड से इस तरह उठाते हुए स्टफिंग के ऊपर रख देंगे। और फिर ऊपर से इस तरह रोल करते हुए लाएंगे। पूरी के नीचे की साइड में थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे जिससे कि ये रोल करते वक्त अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। तो बस इसी तरह हमने यहाँ पर 2 आलू पूरी रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। बाकी सभी लोई को भी हम बेलकर इसी तरह इसके रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने सभी आलू पूरी रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं और तेल को हमने गर्म होने रख दिया था। तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम सावधानी के साथ रोल को तेल में डाल देंगे। जितने ये रोल आसानी से कढ़ाई में आ जाए उतने ही रोल इसमें हम डाल देंगे। और अब हम इन्हें अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। हमें इन्हें तेज आंच पे नहीं सेकना है वरना ये ऊपर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे। तो हम इन्हें धीमी धीमी आंच पर ही सेकेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक सिके और ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रोल बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं और ऊपर से इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इन्हें हम सावधानी के साथ प्लेट पे निकालेंगे और ठीक इसी तरह हम बाकी रोल भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी आलू पूड़ी रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसे आप हरे धनिया की चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। आप चाहें तो इसे इस तरह बच्चों के टिफिन में भी बनाकर रख सकते हैं और यदि आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो भी इसे आप इस तरह बनाकर ले जा सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।